दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज वीडियो का विषय है टीथिंग ट्रबल, यानी दांत निकलते समय बच्चों की परेशानियां। दोस्तों दांत निकलना बच्चों का एक बहुत दर्दनाक अवस्था है, कारण कि जो दांत होता है मसूरों को चिरते हुए बाहर की ओर निकलता है, जिसके कारण मसूरों में सूजन होता है, अत्यधिक लार का श्राव होता है, बुखार आ जाता है, या लार की अत्यधिक श्राव जो होता है जिसके कारण बच्चों को डायरिया यानी अत्यधिक पैखाना होता है, उल्टी होती है, इसके साथ ही उसे बुखार आ जाता है। तो ये सब है दांत निकलते समय होने वाली परेशानी। तो बच्चों के दांत निकलते समय जो परेशानी होती है उसका जो मुख्य दवा है वह है कैमोमिला। कैमोमिला 30 नंबर का सेवन करेंगे। बच्चा को दांत निकलते समय बुखार हो जाता है, पैखाना होता है जिसका रंग हरा होता है, इसके साथ ही बच्चों के मुंह से लगातार लार टपकते रहता है, इसके साथ ही बच्चा का जो चेहरा होता है एक तरफ लाल तमतमाया हुआ और दूसरी तरफ ठंडा पीला रहता है, इसके साथ ही बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, वह हर वक्त रोते रहता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो कैमोमिला 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार देंगे तो दांत आसानी से निकल जाएगा और दांत निकलते समय जो भी परेशानी है वह ठीक हो जाएगा। अगली दवा है मर्क्सोल। मर्क्सोल 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि बच्चा को दांत निकलते समय मसूरा लाल सूज जाता है, इसके साथ ही मुंह से लार टपकता है और मुंह से दुर्गंध आता, यदि इस तरह का लक्षण है तो मर्क्सोल 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो मसूरा का सूजन ठीक हो जाएगा, मुंह से जो दुर्गंध आ रहा है वह भी ठीक होगा और दांत आसानी से निकल जाएगा। अगली दवा है पोडोफाइल। खास करके बच्चों को दांत निकलते समय पानी की तरह अत्यधिक पैखाना होता है और पेट में अत्यधिक गड़गड़ाहट होता है, इसके साथ ही पैखाना के साथ साथ पैखाना में म्यूकस भी होता है, तो पोडोफाइलम 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो दांत आसानी से ठीक निकल जाएगा और पैखाना भी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है एथुजा सिनेपियम। यदि बच्चों के दांत निकलते समय बच्चा दूध पिए और उसके तुरंत बाद दही की तरह उल्टी कर दे तो एथुजा सिनेपियम 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो दांत आसानी से निकल जाएगा। अगली दवा है कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया फॉस 6x का सेवन करेंगे। दोस्तों दांत निकलते समय शरीर में अत्यधिक कैल्शियम की जरूरत होती है और कैल्केरिया फॉस जो है कैल्शियम को मेंटेन कराता है, तो दोस्तों बच्चों के दांत निकलते समय यदि दांत बहुत स्लो निकल रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, मुंह से लार बहते रहता है, इसके साथ ही बच्चों का खटा दुर्गंध का पैखाना होता है, तो कैल्केरिया फॉस 6x दो दो गोली करके 3 बार देंगे तो दांत आसानी से निकल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो भी अभी हमने लक्षण के आधार पर दवा बताए हैं उन दवा को सेवन करते हुए बायोकम्बिनेशन 21 जिसमें कैल्केरिया फॉस डाला हुआ है जो कैल्शियम को मेंटेन करते हुए आसानी से दांत को निकालता है और उस समय होने वाला जो भी न्यूरोजन का प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करता है, इसके साथ ही इसमें फेरम फॉस दिया हुआ है जो दांत निकलते समय बुखार होता है या जो इन्फ्लेमेशन होता है मसूरों में उसको रिमूव करता है, यानी बायोकम्युनिकेशन 21 दांत निकलते समय जो परेशानियां हो रही है उन परेशानियों का सबसे एक बेहतरीन दवा है। तो बायोकम्युनिकेशन 21 दो दो गोली करके 4 बार सुबह दोपहर शाम और रात में सेवन करेंगे तो बहुत जल्द आसानी से दांत निकल जाएगा और दांत निकलते समय किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंत में आपसे छोटा सा आग्रह,
यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।